तो स्वागत है एक बार फिर से आपका आप ही के चैनल पर और आज बात होगी पैसों की। दोस्तों, राजनीति में आए नए राजनेताओं के साथ जो सबसे बड़ी समस्या आती है वह है पैसा, क्योंकि राजनीति आज एक फुल टाइम जॉब बन चुकी है और युवाओं के लिए समस्या भी यहीं से शुरू होती है कि यदि वे पैसे कमाने की तरफ गए तो उनकी राजनीति छूटती है और अगर राजनीति में पूरा समय दिया तो पैसों की दिक्कत शुरू हो जाती है। तो इस जद्दोजहद से बाहर निकलने के लिए आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके देने जा रहा हूं जिसमें बहुत ही कम समय देकर आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। और इन तरीकों की पहली खासियत है कि इसे आप बिना पैसों के भी शुरू कर सकते हैं और दूसरी खासियत है कि इस काम को करने के दौरान आपके बड़े राजनेताओं से, सांसदों और विधायकों से भी संबंध बनते चले जाएंगे। मतलब आर्थिक लाभ के साथ साथ इससे आपको राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, यह वीडियो 2 भागों में होगी। आज पहले 3 तरीकों पर बात होगी और बाकी के बचे 2 तरीकों पर अगले वीडियो में बात करूंगा। तो चलिए और विलंब न करते हुए शुरू करते हैं आज की यात्रा। तो जो पहले 3 तरीके हैं, इसे शुरू करने से पहले 1 महीने तक इसे अच्छी तरह से सीखना है। इसे कैसे सीखना है और काम कैसे शुरू करना है, हर पहलू पर इस वीडियो में बात होगी। और जो हमारे चैनल के मेंबर हैं, यदि उन्हें इन तरीकों को सीखने और उससे मंथली इनकम जनरेट करने में कोई समस्या आए तो वे हमारे ऑफिशियल मेल आईडी पर या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या बता सकते हैं। हमारी टीम उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए उन्हें पूरा सहयोग करेगी और जब तक उनकी एक अच्छी मंथली रेगुलर इनकम जनरेट ना होने लगे तब तक हमारी टीम उनके साथ मिलकर काम करेगी। पर मेंबर्स एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी वे हमें मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें तो अपनी मेंबर आईडी लिखना न भूलें। मेंबर आईडी का मतलब आपका वो नाम है जिसके साथ आप चैनल के मेंबर बने हैं। दोस्तों, अब इन 3 तरीकों को आप बड़े ध्यान से सुनना और ये समझना, ये बहुत ही आसान तरीके हैं और दिन का सिर्फ 1 घंटा देकर आप हर महीने की एक अच्छी कमाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो पहला तरीका है फेसबुक मार्केटिंग। आज हर राजनेता फेसबुक पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि उसके फेसबुक पेज को कोई इस तरीके से चलाए जिससे ज़्यादा लोगों तक उसकी बात पहुँच सके और यही आपको मिलता है पैसा बनाने का एक बेहतरीन मौका। दोस्तों, फेसबुक मार्केटिंग सीखना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको YouTube पर जाके बस फेसबुक मार्केटिंग टाइप करना है। इसमें कई सारे वीडियोज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिल जाएंगे। इन वीडियोज से सीखकर पहले आप अपना खुद का फेसबुक पेज बनाएं और फिर जमकर प्रैक्टिस शुरू करें और पूरी प्रैक्टिस करने के बाद अपने आसपास के वैसे नेताओं से संपर्क करें जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो, मतलब जो थोड़े सीनियर हों। फिर उनसे समय लेकर आप उन्हें डेमो दिखाएं और बताएं कि कैसे उनके लिए आप फेसबुक मार्केटिंग कर सकते हो। यहाँ बस इतना ध्यान जरूर रखना कि शुरुआत के 3 महीनों तक आपको उनसे अपने काम के बदले बहुत ही थोड़ा शुल्क लेना है और फिर धीरे धीरे आपको वो शुल्क बढ़ाते जाना है। अगर उनको आपका काम पसंद आएगा तो न सिर्फ वे आपको इस काम के अच्छे पैसे देंगे बल्कि और लोगों को आपके साथ जोड़ते भी चले जाएंगे और इस तरीके से आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपके राजनीतिक संबंध भी बड़े राजनेताओं से और वहाँ के सांसदों, विधायकों से और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बढ़ते चले जाएंगे। अब बात आती है दूसरे तरीके की और दूसरा तरीका है RTI, मतलब सूचना का अधिकार। दोस्तों, आज बड़े राजनेताओं को प्रेस वार्ता के माध्यम से मुद्दे उठाने होते हैं पर उनके पास इतना समय नहीं होता कि वे मुद्दों से जुड़े सारे डिटेल इकट्ठे कर सकें। इसलिए उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो उनके लिए यह काम कर सके और इसके एवज में ये राजनेता अच्छे पैसे भी खर्च करने को तैयार होते हैं। पर इनके साथ समस्या यह होती है कि इन्हें ऐसा व्यक्ति मिल ही नहीं पाता जो ये काम कर सके। तो आप चाहो तो इस तरीके को सीखकर महीने की एक अच्छी मंथली इनकम बना सकते हो
और अब बात आती है कि आप इस पूरे प्रोसेस को आखिर सीखेंगे कैसे। इसके लिए आपको अमेजन की वेबसाइट पर जाना है और टाइप करना है RTI एक्ट 2005 बुक। यहां आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किताबें मिल जाएंगी। इन किताबों से पूरे प्रोसेस को सीखने के बाद आप अपने क्षेत्र के विधायक, सांसद या बड़े राजनेताओं से संपर्क कर उन्हें बताएं कि जनहित के मुद्दों से जुड़े तथ्यों को आप कैसे एक जगह संकलित करके उन्हें दे सकते हो। दोस्तों, इस काम से आप अपने क्षेत्र के मुद्दे को काफ़ी हद तक समझ भी पाओगे और जिससे आपको आगे अपने राजनीतिक जीवन में अच्छा लाभ भी मिलेगा। अब आते हैं तीसरे तरीके पर, और तीसरा तरीका है इलेक्शन मैनेजमेंट। दोस्तों, इलेक्शन मैनेजमेंट का क्रेज अब इतना बढ़ चुका है कि इसके लिए हर राजनेता और हर पार्टी बड़ा पैसा खर्च करने को तैयार रहते हैं। और इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब इलेक्शन मैनेजमेंट का काम सिर्फ चुनावों के समय नहीं होता है, बल्कि ये काम अब पूरे वर्ष चलता रहता है। इलेक्शन मैनेजमेंट से जुड़े कई काम होते हैं, जैसे मीडिया मैनेजमेंट, नैरेटिव मैनेजमेंट, कैंपेन मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, बूथ ग्रेडिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉल सेंटर, सर्वे और भी कई सारे। मतलब इस इलेक्शन मैनेजमेंट से जुड़े इतने काम में कोई न कोई काम पूरे वर्ष चलता रहता है और सभी काम एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं। तो अब समझो कैसे सीखना है इसे। दोस्तों, इसे सीखने के लिए आपको किसी भी इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी से जुड़कर बस एक चुनाव में काम करना है, और काम करने के दौरान आपको इलेक्शन मैनेजमेंट से जुड़े कामों में जो भी काम अच्छा लगे उसे पूरा सीखना है। बस कोशिश ये करनी है कि ऐसे काम को चुने जो ऑनलाइन किया जा सके, मतलब जिसके लिए आपको फील्ड में न जाना पड़े, जैसे नैरेटिव मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ये सारे काम। आपके पास बस एक चुनाव का एक्सपीरियंस हो जाए तो ये इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनियां आपसे रेगुलर काम लेती रहेंगी और आप घर बैठे ऑनलाइन काम करके अच्छा पैसा बना सकते हो। मतलब एक चुनाव के एक्सपीरियंस के बाद आपको लगातार काम मिलते चले जाएंगे और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। तो अब सवाल आता है कि पहली बार काम आखिर कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आपको अपना एक अच्छा रेज्यूम बनाकर जितनी भी इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनियां आपको गूगल पर दिखाई देती हैं उन्हें भेज सकते हो। ये कंपनियां आपसे खुद संपर्क कर लेंगी और जिन लोगों को बिना किसी इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी के साथ काम किए इलेक्शन मैनेजमेंट सीखना है वे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे वे तीन तरीके जिसके साथ आप पार्ट टाइम समय देकर, मतलब दिन का 1 से 2 घंटा देकर अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अब अगले वीडियो में हम बाकी के 2 और तरीकों पर बात करेंगे और उसके बाद इन 5 तरीकों में जो भी तरीका आपको सूट करे उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में 2 और तरीकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।